हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का डिफेंस जॉब की इस नई वीडियो में, जहाँ पे हम इंडियन आर्मी के एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों, ऑफिसर सेंट्री स्कीम के तहत निकाली गई है, जो कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के 131st बेस के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनमेरिट मेल से अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो है कमीशन करवाई जाएगी जुलाई 2020 में IIMA देहरादून में। अब इसमें दोस्तों, इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए आया हुआ है, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने में रहने वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें सिटीजन्स सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सब्जेक्ट ऑफ नेपाली कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों, उनके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि वो जो है कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आए हों यहाँ बसने के लिए। अब इसमें दोस्तों, इसके लिए कंडीशन रखा गया है, या इसमें बहुत सारे जो है विद कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन सभी के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है, कंडीशन रखा गया है। तो आप इसको दोस्तों देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसके जो है अच्छी तरह से पूरी पूरी जानकारी ले पाएंगे। और इसमें दोस्तों, आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ये रखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको सर्टिफिकेट जो है इश्यू होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती में जा सकते हैं। ये जो है दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल से और अदर कैंडिडेट के लिए है, और जो है इंडियन कैंडिडेट्स इसके लिए ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, इसमें 20 से 27 साल रखा गया है 1 जुलाई 2020 के आधार पर, यानी कि दोस्तों इसके आधार पर आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2020 के बीच 2020 के बीच का होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो उम्र है, वो मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट जो आपका 10th सर्टिफिकेट है उसके आधार पे लिया जाएगा, और किसी भी अन्य दस्तावेज के जो है आपका डेट ऑफ बर्थ को इसमें नहीं माना जाएगा। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, इसमें इंजीनियरिंग डिग्री रखा गया है, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री में जो है अंतिम वर्ष में है, तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते 1 जुलाई 2020 तक आपके पास जो है इसका जो है सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अब वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों, इसमें वैकेंसीज जो है रखा गया है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि जो मतलब जो समझक जैसे कि सिविल में भर्ती आई हुई थी, इसको आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों, सिविल में बात करें तो सिविल में 8 पोस्ट आई हुई है, वैकेंसी 60 है, जिसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आपको जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसमें आर्किटेक्चर के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है, मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए 11 पोस्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम के लिए 8 पोस्ट, और जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 1, और जो है आपका जो है एरोनॉटिकल के लिए भी 1 पोस्ट आया हुआ है। टोटल दोस्तों यहाँ पे 40 पोस्ट आया हुआ है। अब इसमें हम आपको बता देना चाहेंगे, ये जो पोस्ट है टेनेटिवली है, जो वैकेंसी टेनेटिव रखा गया है, यानी कि इसको इस भर्ती किसी भी स्टेज में जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कमीशन की, तो ग्रांट ग्रांट ऑफ कमीशन, यानी आप सिलेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे रखा जाएगा, जब तक कि आपकी पोस्टिंग के लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर ना हो जाए। अब जब दोस्तों आपका जो है सक्सेसफुल कंप्लीट, आपका जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर परमानेंट कमीशन के तौर पर ले लिया जाएगा। अब इसमें सीनियरिटी की बात करें तो दोस्तों, तो आपका जो लेफ्टिनेंट की जिस डेट में आपका पोस्टिंग होगी, उस डेट से 1 साल पहले की आपको सीनियरिटी दी जाएगी। अब ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो ट्रेनिंग है वो आपके आपके सब्जेक्ट के आधार पे आपको जो है मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज अप टू द नंबर, यानी कि आपके नंबर और आपके जो स्ट्रीम के आधार पे आपको जो है ट्रेनिंग IIMA देहरादून में दी जाएगी, जो कि 49 वीक्स के लिए होगी। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें कि जो कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग में जा जाए ट्रेनिंग में सिलेक्शन हो जाएगा उनका, फिर दोस्तों उनको ट्रेनिंग के दौरान जब तक कि उनकी पोस्टिंग ना हो तब तक कि उनको शादी करना अलाउ नहीं है, यानी कि वो अपने जो है मैरी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उनके अपने पेरेंट्स के साथ भी वो नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनका जो है सिलेक्शन कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है रद्द कर दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इसके जो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो सभी इंडियन गवर्नमेंट इसको जो है
इंडियन गवर्नमेंट के फंड से इसको इसका कॉस्ट जो है दिया जाता है। तो अगर आप दोस्तों अगर आप किसी भी शर्त से जैसे कि आप मेरिट कर लेते हैं या फिर आपके किसी भी कारण से अगर आप ट्रेनिंग फिर छोड़ना चाहते हैं तो आपसे दोस्तों इसका जो है कॉस्ट आपसे वसूल की जाएगी, जो कि 11,952 पर वीक के आधार पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें 8% जो है आपका 8% आपका इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं इसके प्रमोशन क्राइटेरिया के, तो इसमें प्रमोशन जो है आपका जो कमीशन होंगे, कमीशन होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। इसके 2 साल बाद आपका जो है इसमें प्रमोशन हो सकता है कैप्टन की पोस्ट पे, उसके 6 साल के बाद में आपका हो सकता है मेजर के पोस्ट में। इसी तरह से दोस्तों आपका जो हाईएस्ट जो आपका प्रमोशन है वो जा सकता है CEO AS, यानी कि जो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों आपके सब्जेक्ट पे और आपके जो है आपके बेसिक सब्जेक्ट और फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट सर्विस कंडीशन के आधार पे आपको जो है यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अब पे स्केल की बात करें तो दोस्तों लेफ्टिनेंट पे अगर आपका जो है ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। उसमें आपको लेवल 10 के आधार पर 56,100 से 1,77,500 रुपये मंथली पेमेंट दिया जाएगा। अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है कैप्टन पे, यानी कि आपका प्रमोशन होता है, तो आपको लेवल 10 B के आधार पर 61,300 से 1,33,900 जो है पर मंथ पे किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप COAS तक पहुंच जाते हैं तो आपको जो है लेवल 18 के आधार पर 2,50,000 फिक्स सैलरी दी जाएगी, जो कि फिक्स सैलरी है। अब इसके नीचे दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पे वगैरह की, अलाउंसेस की। तो इसमें MSP जो कि मिलिट्री सर्विस पे होता है, ये जो है दोस्तों 15,500 दिया जाता है, जो कि पर मंथ 15,500 फिक्स रहता है। अब इसमें दोस्तों हम बात करते हैं फ्लाइंग अलाउंसेंस की। अगर आपका जो है द आर्मी एविएशन में चले जाते हैं आप आर्मी एविएशन कॉप्स में, तो पायलट्स में, तो आपको 225,000 पर मंथ दिया जाएगा, जो कि फिक्स्ड है, जो कि रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स के लिए दिए जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इसमें बहुत सारे अलाउंसेज दिए जाते हैं, जिसको आप खुद से देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको इसके और भी अच्छी तरह से पूरी पूरी जानकारी मिल सके। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अप्लाई की, कि आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो आपको जो दोस्तों जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि www.indianarmy.nic.in है। इसमें जाकर के आप तो ऑफिसर एंट्री में जाकर के अप्लाई लॉगिन में जाकर के आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन में जाकर आप इसके लिए फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं इसका डेट की, कौन सा डेट रखा गया है। तो इसके लिए दोस्तों ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है 16 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो चुका है, और आप इसके लिए फॉर्म जो है 14 नवंबर 2019 तक भर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस भर्ती के बारे में जो है आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा जो इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।